आज आप लोगों को हम इंडिया के 10 मोटो व्लॉगर्स की न्यू सुपर बाइक के बारे में बताने वाले हैं कि किस किस व्लॉगर ने न्यू बाइक परचेस की है। तो बिना समय गवाते हुए आइए वीडियो को करते हैं शुरू। नंबर 10 पर आते हैं मनिक अत्री व्लॉग। ये एक मोटो व्लॉगर है जो अपने चैनल पर मोटो व्लॉगिंग वीडियो अपलोड करते हैं, जिसे काफी लोग देखना भी पसंद करते हैं। इनके चैनल पर आज 800 के प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मनिक अत्री व्लॉग के पास कई बाइक्स है, लेकिन इन्होंने अभी हाल ही में कुछ मंथों पहले एक ब्रांड न्यू कावासाकी निंजा ZX 10R परचेस की है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर इसके प्राइस की बात करें तो यह करीब 18 लाख रुपए की है। नंबर 9 पर आते हैं सूरज वर्मा। सूरज वर्मा को तो आप सब जानते ही होंगे। इनके दो चैनल है, एक सूरज वर्मा के नाम से, दूसरा लगन बंजारा के नाम से। इनके सूरज वर्मा के चैनल पर आज 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इनके पास भी काफी अच्छा बाइक का कलेक्शन है। इनके बाइक कलेक्शन में एक ZX 10R थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अब वो दोबारा से एक न्यू ZX 10R परचेस करने वाले हैं, जो बहुत ही जल्द आप लोगों को इनके व्लॉग में देखने को मिलेंगी। और ये बाइक को इन्होंने बुक भी करवा दिया है। और मैं आपको बता दूं, ये एक BMW S1000RR भी ओन करते हैं, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 8 पर आते हैं HSB ऑफिशियल। अगर आप मोटो व्लॉगिंग वीडियोस देखते होंगे तो आप HSB ऑफिशियल को जरूर जानते ही होंगे। इनका पूरा नाम हरप्रीत सिंह बाल है। इनके चैनल पर आज 1.4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इनके पास काफी तगड़ा कार्स एंड बाइक का कलेक्शन है, लेकिन इन्होंने अभी कुछ मंथ पहले एक न्यू सुपर बाइक परचेस की है, और वह है सुजुकी हायाबुसा 2023 का टॉप मॉडल, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये करीब 22 लाख रुपीस की है, यानी कि 22 लाख रुपए। नंबर 7 पर आते हैं लाइफ मोटो वर्ल्ड, जिसे आप लाइफ मोटो वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। असल में उनका रियल नेम मुनव्वर अली है। ये भी एक मोटो व्लॉगर है। इनके चैनल पर आज 800 के प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इनके बाइक कलेक्शन में भी 2 से 3 बाइक्स हैं। मुनव्वर अली ने अभी 2 मंथ तो पहले ही एक न्यू बाइक परचेस की है, और वह है BMW S1000RR Pro, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। अगर इसके प्राइस की बात करें तो यह करीब 30 लाख रुपीस की है। नंबर 6 पर आते हैं आलियान व्लॉग्सो। आलियान व्लॉग्स मोटो व्लॉगर है, और आपने कभी ना कभी तो इनके व्लॉग्सो जरूर देखे ही होंगे। और अभी हाल ही में इनका एक्सीडेंट भी हो गया था। इनके चैनल पर आज 1.3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आलियान व्लॉग के पास भी 2 से 3 बाइक्स है, लेकिन इन्होंने अभी कुछ मंथ पहले एक न्यू KTM RC 390 परचेस की है, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये करीब 3.90 लाख रुपीस की है, यानी के 3,90,000 रुपए। नंबर 5 पर आते हैं MSK व्लॉग। MSK व्लॉग को आज मोटो व्लॉगिंग में किसी भी तरह के कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है, और इनके व्लॉग्स पर लाखों में व्यूज क्रॉस हो जाते हैं। MSK के चैनल पर आज 1.7 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और ये एक डेली मोटो व्लॉगर है। MSK ने अभी हाल ही में एक BMW S1000RR परचेस की है, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और शायद ये इनकी ड्रीम बाइक भी थी। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये करीब 28 लाख रुपीस की है, यानी कि 28 लाख रुपए। उसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं टर्बो एक्सट्रीम। अरनी भाई को आप लोग जानते ही होंगे। इनके पास कई करोड़ों का कार्स एंड बाइक का कलेक्शन है, जिसमें कई एक से बढ़कर एक कार्स एंड बाइक शामिल है। इनके चैनल पर आज 1.6 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अरनी भाई ने अभी कुछ मंथ पहले कावासाकी निंजा H2 परचेस की है, और इसको इन्होंने अलग से मॉडिफिकेशन भी करवाया हुआ है, लेकिन यह बाइक इन्होंने सेकेंड हैंड परचेस की है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो यह करीब 30 लाख से 35 लाख रुपीज तक के हो सकती हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी इनकी निंजा H2। उसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं जद प्रभजोत। जद प्रभजोत आज इंडिया के टॉप मोटो व्लॉगर में से एक है। इनकी फैन फॉलोइंग का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इनके चैनल पर आज 3.7 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और इनके पास काफी अच्छा कार्स एंड बाइक का कलेक्शन भी है। इन्होंने भी अभी हाल ही में एक न्यू डिफेंडर भी ली है। अगर हम इनके बाइक की बात करें तो मैं आपको बता दूं, जद प्रभजोत का H2 का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन इन्होंने दोबारा से एक H2 की डिलीवरी ली है, जो कि उन्हीं की बाइक थी, जो कि पूरी रिकवर हो चुकी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही जल्द एक डुकाटी भी परचेस करने वाले हैं। उसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं JS फिल्म। JS फिल्म को आज इंडिया में
किसी भी तरह के कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मोटो व्लॉगिंग के किंग माने जाते हैं। मैं आपको बता दूं, इनके पास भी कई करोड़ों का कार्स एंड बाइक का कलेक्शन है। जेसपा जी के पास कई एक से बढ़कर एक सुपर बाइक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अगर इनके चैनल की बात करें तो इनके चैनल पर 3.3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इनका फैन बेस भी काफी तगड़ा है। ये दिन ब दिन न्यू बाइक एंड न्यू कार्स परचेस करते ही रहते हैं। इन्होंने अभी हाल ही में एक न्यू सुपर बाइक परचेस की है और वह है सुजुकी हायाबुसा 2023 का टॉप मॉडल, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये भी करीब 22 लाख रुपीस की है। उसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर फर्स्ट पर आते हैं UK07 Raider। द UK07 Raider आज इंडिया के नंबर वन मोटो व्लॉगर की लिस्ट में शुमार हो चुके हैं। इनके चैनल पर आज 6.4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और जब तक कि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक ये सब्सक्राइबर का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ चुका होगा क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग भी दिन ब दिन बहुत ही से बढ़ती ही जा रही है। UK07 Raider के पास भी आज कई करोड़ों का एक्सपेंसिव और सुपर बाइक का कलेक्शन हो चुका है। इनके पास कार्स का भी काफी अच्छा कलेक्शन है। और मैं आपको बता दूं इनकी नई बाइक के बारे में, तो मैं आपको बता दूं UK07 Raider दिन ब दिन न्यू बाइक न्यू कार्स परचेस करते ही रहते हैं, लेकिन इन्होंने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक न्यू सुपर बाइक परचेस की है और वह है कावासाकी Z900, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर इसके प्राइस की हम बात करें तो इसका आज ऑन रोड प्राइस करीब 11 लाख रुपए है। तो गाइस आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना आप इनमें से किसके फैन हैं और आपकी फेवरेट या ड्रीम बाइक कौन सी है, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आपको इन टॉप 10 व्लॉगर की सबसे बेस्ट बाइक कौन सी लगी, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जब तक के दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम। लव यू ऑल, बाय।